कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रारंभिक रुझान आने प्रारंभ हो गए हैं। 10 मई को संपन्न हुए चुनावों में 224 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस, भाजपा और जनता दल सेक्युलर जैसी शक्तिशाली पार्टियां अपना वर्चस्व स्थापित करने का भरपूर प्रयत्न कर रहे थे, परंतु चुनाव का परिणाम एक बात तो स्पष्ट सिद्ध करता है, यहां असंभव कुछ भी नहीं है। नमस्कार मित्रों, TFI पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और मैं अतुल मिश्रा आपको अवगत कराऊंगा कर्नाटक के परिणामों से और कैसे यहां पर कई मिथक टूटने वाले हैं। अभी इस समय प्रारंभिक रुझानों को देखें तो आधे से अधिक मतों की गिनती हो चुकी है। अब यहां से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, 5-10 सीटों का फेरबदल अवश्य हो सकता है। इस समय कांग्रेस भाजपा को पछाड़ती हुई अवश्य दिख रही है, परंतु बहुत बड़े अंतर से नहीं। बहुत दिनों के पश्चात कांग्रेस को कहीं से शुभ समाचार मिले हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों की माने तो कांग्रेस लगभग 110 सीटों पर आगे है, वहीं भाजपा को मात्र 73 सीटों पर बढ़त मिली है। यह तब है जब प्रचार के अंतिम अभियान में प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेकर हिमंता बिस्वा सरमा, योगी आदित्यनाथ आगे थे। ऐसे में प्रतीत होता है कि कांग्रेस का क्षेत्रवाद कार्ड चला अवश्य है, परंतु कुछ हद तक ही। परंतु कांग्रेस के लिए भी ये खुशखबरी नहीं है, हो सकता है कि वे चुनाव जीत जाएं, क्योंकि 113 के जादुई आंकड़े को वे पार करते तो कम से कम इस समय दिख रहे हैं। परंतु इनकी विजय अत्युग्र और प्रचंड नहीं है, जैसा कि कुछ स्वघोषित चुनाव विश्लेषक बता रहे थे। प्रारंभिक रुझान के अनुसार कांग्रेस बहुत हुआ तो 120 सीट जीत सकती है, नहीं तो 110 पे अटक भी सकती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कांग्रेस को इस बार नैतिक विजय से ही संतोष करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि असली लड़ाई चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी के लिए प्रारंभ होगी। दूसरी ओर जनता दल सेक्युलर के परिणाम वही ढाक के तीन पात हैं जैसा कि हमने अनुमान लगाया था। पार्टी 25-30 सीट अर्जित कर सकती है और प्रारंभिक रुझान भी इसी ओर संकेत दे रहे हैं, परंतु JDS सुप्रीमो कुमार स्वामी एवं उनके परिवार के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। एक ओर जहां वे स्वयं अपने क्षेत्र में वर्चस्व के लिए जूझ रहे हैं, तो उनके बेटे पर पराजय का खतरा मंडरा रहा है। इसी भांति भाजपा भी सेंट्रल कर्नाटक समेत कुछ जगहों पर अप्रत्याशित परिणाम अर्जित कर सकता है, जहां मूल रूप से या तो कांग्रेस या फिर JDS का वर्चस्व रहा है। अब अगर चुनावी परिणाम में तनिक फेरबदल होता है तो JDS इस स्थिति में अवश्य किंग मेकर बन सकता है, परंतु यह संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। वहीं भाजपा अभी भी चुनावी रुझानों में 70 से अधिक सीटों पर आगे है। ऐसे में अगर कुछ बिहार जैसा प्रत्याशित होता है, जो कि विरले ही होता है, तो चकित मत होइएगा। वहीं दूसरी ओर अगर भाजपा हारती है तो चुनाव के बाद उन्हें गहन आत्ममंथन की सख्त आवश्यकता है। यह अच्छा है कि यह झटका अभी ही मिल गया, परंतु वास्तविक परिणामों की झलक संध्या काल तक देखने को मिल सकती है और चुनाव अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है।